हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग एक बहुत ही शानदार मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। तो देखिए, यहां पर पहला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई बराबर 70, x माइनस वाई बराबर 10 है, तो आपको बताना है कि 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके आपको x और y दोनों का अलग अलग मान निकालना है, और उसके बाद 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर दो जो समीकरण दिया हुआ है उसे रैखिक समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इसको हम समीकरण एक मान लेंगे और इसको समीकरण दो मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्लस में वाई है और यहाँ पर माइनस में वाई है, तो डायरेक्ट अगर दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा और यहाँ पर केवल एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप एक्स का मान पहले निकाल सकते हैं। तो देखिए, दोनों समीकरण को क्या करते हैं, तो ऐड कर देते हैं, यानी समीकरण एक प्लस समीकरण दो करते हैं। तो देखिए, जब दो समीकरण को ऐड करते हैं तो उसमें साइन को चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन घटाते हैं तो साइन को चेंज करना पड़ता है नीचे वाले समीकरण का। लेकिन हम इसको ऐड कर रहे हैं तो उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी जैसा साइन रहेगा वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए, यह प्लस वाई से यह माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर प्लस एक्स, तो एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 70 और इस 10 को जोड़ देंगे, तो 70 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, हमको x का मान निकालना है, तो x को बराबर के इस साइड रख लेंगे और यहाँ पर x के साथ यह जो दो गुना में है, इस दो को बराबर के इस साइड भेज देंगे, तो 80/ यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर x का मान आपका क्या निकल कर आ जाएगा, तो 2 से 80 में भाग करेंगे तो यह 40 यहाँ पर निकल कर जाएगा आपका x का मान। ठीक है, तो देखिए, x का अभी मान निकला है, अभी हमको y का भी मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए, हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। जैसे मान लीजिए समीकरण एक से यहाँ पर लिखेंगे, यानी समीकरण एक में क्या करते हैं, तो हम x का मान रख देते हैं। तो समीकरण एक क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 70 है, तो यहाँ पर हम x के जगह पर क्या करेंगे, तो 40 रख देंगे, प्लस वाई बराबर 70 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, y का मान निकालने के लिए y को बराबर के इस साइड रख लेंगे और इस 40 को इस साइड भेजेंगे, तो देखिए 70 के जगह पर 70 लिख देंगे और इस 40 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 40 आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए, y का मान यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, तो 70 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 30 निकल कर आ जाएगा आपका y का मान। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर x और y दोनों का मान निकल कर आ गया है, तो आप आसानी से आप 1/x प्लस 1/y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, तो x के जगह पर यहाँ पर 40 रख देंगे तो 1/40 हो जाएगा, प्लस y के जगह पर 30 रखेंगे तो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो भिन्न के जोड़ की तरह, यानी एडिशन और फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, 40 और 30 का यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 40 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आपका 120 आ जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं एलसीएम। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए इस 40 से 120 में भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए, 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 जो आएगा उसको यहाँ पर 1 में गुना करेंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और प्लस। अब देखिए, इस 30 से इस 120 में भाग करेंगे तो यह 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 12 चार बार में कट जाएगा, यानी 4 आएगा, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब 4 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और बटा में यहाँ पर 120 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका 1/x प्लस 1/y का मान क्या निकल कर आ गया, तो 7/120 निकल कर आ गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।